राहुल गांधी अपनी पब्लिसिटी के लिए फेक वीडियो रील बनवाते हैं। क्या राहुल गांधी लोगों से जाकर मिलते हैं तो वो रियल नहीं होता, या फिर राहुल गांधी को जबरन फेक रील में फंसाने की कोशिश की जाती है। दरअसल राहुल गांधी कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, जहां उन्होंने रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात, उनका काम समझा, उनकी दिक्कतें सुनी। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस ने राहुल के स्टेशन विजिट की एक रील बना करके सोशल मीडिया पर शेयर की थी। विपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात की। ये लोको पायलट देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेलवे की रीढ़ है। जननायक को अपने बीच पाकर इन लोगों के चेहरे साफ बता रहे हैं कि कोई तो है जिसे हमारा भी ख्याल है। लोको पायलट ने अपनी तमाम शिकायतें राहुल गांधी के सामने रख दी। इनकी सबसे बड़ी शिकायत आराम ना मिलना, घर से दूर लंबी दूरी की ट्रेनें चलाते हैं और अक्सर इन्हें बिना आराम दिए लगातार ड्यूटी कराई जाती। कांग्रेस ने इस फिल्म में बताया कि लोको पायलट से लंबी ड्यूटी करवाई जाती है, लोको पायलट्स को आराम नहीं मिलता जिसकी वजह से वो थके रहते हैं और यही थकान ट्रेन हादसों की एक वजह बनती है। इस वीडियो को दिखाने और जारी करने का मकसद ये बताना था कि सरकार को रेलवे कर्मचारियों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन भारतीय रेलवे ने अपने एक बयान से कांग्रेस को रील में उलझा दिया। नॉर्दर्न रेलवे ने CPRO के थ्रू कहा कि राहुल गांधी की ये पूरी शूटिंग फेक यानी नकली है। जिन लोगों से राहुल गांधी मिले वो लोको पायलट थे ही नहीं, बल्कि बाहर से इकट्ठा करके लाए गए लोग थे। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे, ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। वो हमारी लॉबी के लोको पायलट नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से लाए गए थे, बाहर से आए हुए थे। तो भारतीय रेलवे ने साफ तो नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया कि कांग्रेस और राहुल गांधी के इस पूरे दौरे और शूटिंग का मकसद रेलवे को बदनाम करना था और रेल मंत्री को टारगेट करने के लिए ये फेक नैरेटिव चलाना था। यहां तक कि राहुल गांधी की शूटिंग के समय मौजूद एक लोको पायलट ने भी दावा किया कि उन्हें वो सब कुछ एक फिल्म की शूटिंग की तरह लग रहा था। जहां वो लोको पायलट से मिले थे, उन लोको पायलट्स को अधिकांश ऐसे लोग थे जिनसे उन्हें पहले कभी मुलाकात नहीं। लेकिन लोको पायलट्स एसोसिएशन ने रेलवे के इस दावे को खारिज कर दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में एसोसिएशन ने कहा कि राहुल गांधी गलत नहीं है, सारे लोको पायलट्स असली थे। जो ज्यादातर लोग हैं वो है ही नहीं लोको पायलट, कहा जा रहा है कि वो तो बाहर के लोग सारे लोको पायलट थे। तस्वीर आपने भी देखी है, जो AILRS संगठन के, जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कुछ लोको पायलट थे वो मतलब जो है कुछ लोग बाहर से थे, वो लीडर थे उस एसोसिएशन के। तो बाकी लोको पायलट यहाँ के कई लोको पायलट, क्योंकि बहुत जगह से रेलवे के ही कुछ लोगों ने कहा कि उसमें से बहुत से ऐसे हमें शक है कि लोग बाहर के ही थे, ज्यादातर लोग बाहर के थे लोको पायलट। उसमें लोको पायलट भी कितने प्रतिशत होंगे यहाँ पर, कितने प्रतिशत रहे होंगे उस भीड़ में अगर मैं देखूँ लोको पायलट? मुझे तो लगता है यहाँ के मतलब जो है कुछ नहीं तो 60% 70%। इन दोनों बयानों के बाद मामला उलझ गया कि सच कौन बोल रहा है, भारतीय रेलवे या फिर लोको पायलट्स एसोसिएशन। इस मामले में बीजेपी विश्वास कर रही है कि रेलवे सच बोल रही है। बीजेपी का आईटी सेल राहुल गांधी की इस रील पर एक नया ट्विस्ट भी लेकर के आ गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के स्टेशन दौरे को एक नए नैरेटिव के साथ सामने रख दिया। इसमें उन्होंने बाकायदा कैमरामैन की संख्या को मार्क किया, साथ ही उन्होंने एक डायरेक्टर को भी पॉइंट आउट किया। इस वीडियो में ग्राफिक के जरिए उन्होंने हाईलाइट किया और बता रहे थे कि राहुल की ये विजिट सिर्फ एक शूटिंग थी जिसमें 8 कैमरामैन के साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी थी। नहीं, जैसे 40 को 30 किया गया, 50 हो गया, 50 करें। जैसे जैसे कि इंजीनियरिंग मौसम को अपडेट करता है, जैसे कोई काम करना, वहां को 10 जैसे लगाना, तो चार्ट आएगा। तो बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस के उस प्रचार तंत्र को काउंटर किया जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर
एक्टिव रहता है, उनकी इमेज को कैमरों से बनाई हुई बताता है, जैसा चुनाव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री की कन्याकुमारी में ध्यान साधना पर किया गया था। जब सारा फोकस रेल की जगह रील पे होगा तो अपने साथ 8 कैमरा मैन ले जाना तो ऑब्वियस था, और अपने साथ उनके सिर्फ कैमरा नहीं एक डायरेक्टर भी साथ थी। राहुल गांधी जी का ये ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश है, इसी के चलते लगातार 10 साल से वो आज विपक्ष में बैठे हैं और आने वाले समय में भी विपक्ष पे इन्हीं हरकतों की वजह से बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत पड़ गई है कि जब वो कोई रैलीज करते हैं तो पैसे दे देकर लोगों को बुलाते हैं, तो उन्हें लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी ये करते होंगे, लेकिन लोको पायलट एसोसिएशन ने खुद उनके उठाए हुए सवालों का जवाब दे दिया है। मुझे नहीं मालूम वो शर्मिंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन उन्हें राहुल गांधी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और लोको पायलट एसोसिएशन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। Z News.